वेक्टर पे बेस्ड अभी तक दो वीडियो अपलोड हो चुका है। पहले वीडियो में मैंने वेक्टर पे जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो बताया है, और सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है वेक्टर कितने टाइप्स का होता है, और लास्ट में हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा था। ये थर्ड वीडियो है वेक्टर पे बेस्ड, और इसमें हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से स्टार्ट करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और पैरेललोग्राम लॉ के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जब आप बात करते हैं दो वेक्टर के रिजल्टेंट की, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर बी इधर है, ठीक है, आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप ये सोच सकते हो कि यदि कोई 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगता रहे और 20 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगता रहे, तो रिजल्टेंट जो इन दोनों का जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, है ना। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, जो फाइनल इक्विवेलेंट जो होगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं किसी एंगल पे होगा। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ए का एक पैरेलल वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। ए कोई फिक्स वेक्टर नहीं है, तो इसको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट करने पे यदि आप देखें तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इस कारण से इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ करता क्या है, हेल्प क्या करता है हम लोगों को? पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, मतलब जैसे ये ए है तो ये ए हो गया, ये बी है, तो आप देख सकते हैं इसका जो हेड है, बी का जो हेड है ए के टेल से कनेक्टेड है, तो ये जो रिजल्टेंट जो होगा ये निश्चित तौर पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। इसका मतलब है हम लोग जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए यदि इसके बीच में एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये ए है, तो इसका जो ये कॉम्पोनेंट होगा ये ए साइन थीटा होगा, और ये वाला जो कॉम्पोनेंट होगा ये ए कॉस थीटा होगा। ये ए साइन थीटा हो गया, ये ए कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए साइन थीटा, और यदि बेस की बात की जाए तो इसका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बेस हो जाएगा। ठीक है ना, और तब जाके ये रिजल्टेंट एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हो गया। यदि मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को साइड में बना दूँ तो ये समझिए कि ये वाला जो टर्म है ये रिजल्टेंट है, और ये जो नीचे में जो हो गया ये b प्लस ए कॉस थीटा हो गया, और ये वाला जो लेंथ है जिसको आप परपेंडिकुलर कर रहे हो ये a साइन थीटा के बराबर हो गया, ये हो गया a साइन थीटा के बराबर। यदि आप ये समझ रहे हो तो अब रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये बेस की तरह हो गया, ये परपेंडिकुलर की तरह हो गया, और ये वाला हाइपोटेनस की तरह हो गया, और आपको हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर का रूट, यही हो जाएगा रिजल्टेंट का वैल्यू। ठीक है, आप इसका नाम भी दे सकते हो, जैसे इसका नाम ओ दे दो, ये पॉइंट का नाम, इसका ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, ये डी दे दो। ठीक है, तो हम ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ओ बी सी। ठीक है ना, ये हो गया ओ बी सी, ये ट्रायंगल हो गया ओ बी सी, बीच में एक पॉइंट होगा जो ए है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिजल्टेंट इसका निकाला है। यदि हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा है, तो कैलकुलेट कीजिए तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा कुछ ऐसा आएगा ना, टू ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यदि हमने ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्टेंट का वैल्यू आपको कितना के बराबर मिल जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मैंने पैरेललोग्राम लॉ को प्रूफ कर दिया है।
पैरेललोग्राम लॉ अब कहता क्या है, यदि आप इस बात को समझे तो ये कहता है कि यदि दो वेक्टर, जैसे यहाँ पे 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये दो वेक्टर है, दो फोर्स है, यदि ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे मिलेगा। मान लेते ये F1 है, ये F2 है, ये F1 है, ये F2 है, और ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। तो इसका जो रिजल्टेंट F है वो आपको कैसे मिल जाएगा बताइए, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos थीटा। इस तरीके से, इस मेथड से आपको रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पता चल रहा है हम लोगों को। तो पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, किस तरीके से आप रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं दो वेक्टर के बीच का, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, मतलब रिजल्टेंट B वेक्टर से कितना एंगल बना रहेगा, B से मान लेते हैं कि बीटा बना रहा होगा और A से अल्फा बना रहा होगा, तो ये एंगल कितना बनाएगा, रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये दो वेक्टर था, ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, और यहाँ से ये रिजल्टेंट वेक्टर था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है, और यहाँ से ये वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर हो गया, और इसका ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा हो गया, और इसका ये कंपोनेंट ए साइन थीटा हो गया, यही था। बी से जो मैंने एंगल बोला था ये बीटा बोला था। अब यहाँ से ये एंगल कैलकुलेट करना बहुत आसान है, और इसका जो रिजल्टेंट का वैल्यू था, रिजल्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये था रिजल्टेंट का वैल्यू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये था रिजल्टेंट का वैल्यू। अब यदि आप यहाँ से कैलकुलेट करें इस बीटा का वैल्यू, तो आप देखो इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये बीटा है ना, ये वाला एंगल बीटा है, और ये परपेंडिकुलर कितने के बराबर है, ए साइन थीटा के बराबर है, और बेस कितने के बराबर है, बी प्लस ए कॉस थीटा के बराबर है, ये कितने के बराबर हो गया, बी प्लस ए कॉस थीटा के बराबर हो गया, ये बीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ये बी प्लस ए कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टैन बीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, टैन बीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए साइन थीटा और बेस बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, ये हो गया टैन बीटा। टैन बीटा कैलकुलेट करने में ए का कंपोनेंट लेना पड़ा है, इसी तरीके से यदि अल्फा कैलकुलेट करना हो, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कैलकुलेट करना हो, तो टैन अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, टैन अल्फा का वैल्यू अब बी का कंपोनेंट लेना होगा, तो सिमिलरली ऐसे ही होगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इस केस में क्या करना पड़ा है हम लोगों को, बी का कंपोनेंट लेना पड़ा है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितने के बराबर है, थीटा के बराबर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट और किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल। अब इसमें कुछ स्पेशल केस है जिसको हम लोग सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए इधर है, एक वेक्टर बी इधर है, इसके बीच में एंगल थीटा है, और इसका रिजल्टेंट जो था हम लोग ने निकाला था ये आ गया था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हम लोगों ने निकाला था ये आ गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही आ गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है, तो सबसे पहला केस, केस वन देख लेते हैं, यदि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो क्या होगा, ठीक है। ए और बी का मैग्नीट्यूड यदि बराबर हो, मान लेते हैं ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है, और ये बराबर है एक्स के बराबर है, ठीक है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या आ गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा,
अब एक्स स्क्वायर को आप कॉमन कर लो तो बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 4 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो फाइनली कितना आ गया, 2x कॉस थीटा बाई 2। ये आ गया रिजल्टेंट का वैल्यू, ठीक है ना। रिजल्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 2x कॉस थीटा बाई 2। समझ में आ रही है बात? तो जब भी दो वेक्टर, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे इक्वल वेक्टर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर कहने का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेम इन डायरेक्शन। यहाँ पे इक्वल वेक्टर नहीं है, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। तो ये दो वेक्टर है जिसका कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, 2a cos थीटा बाई 2। ऐसे भी समझ सकते हैं, इस केस में ये थीटा बाई 2 होगा और ये थीटा बाई 2 होगा, तो इसका ये कॉम्पोनेंट a cos थीटा बाई 2, इसका ये कॉम्पोनेंट a cos थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। रिजल्टेंट का वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 फाइनली आप यहाँ से लिख सकते हो यदि लिखना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये केस वन हुआ, जब दो वैक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो तो उनका रिजल्टेंट आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो 2a cos थीटा बाई 2 से। मतलब जैसे मान लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स और 20 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये आप सीधा लिख सकते हो 2a cos थीटा बाई 2, 2 इंटू 20 इंटू cos 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री। और cos 30 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, रूट 3 बाई 2 के बराबर। तो ये फाइनली आ जाएगा 20 रूट 3 न्यूटन, दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, केस वन पे बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हो। केस टू देखते हैं। केस टू की यदि बात की जाए, यदि मान लीजिए दो वैक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री पे इंक्लाइंड है ए वैक्टर और ए वैक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो अलग अलग वेक्टर है, नहीं तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होगा, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को क्या सीधा लिख देंगे हम लोग, ए माइनस बी, ठीक है। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मैं ए लिख रहा हूँ, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को मैं बी लिख रहा हूँ, और सीधा रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ए माइनस बी है, मतलब ए के डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है और बी के डायरेक्शन को आपने निगेटिव माना है और जोड़ दिया है इसको, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए माइनस बी के डायरेक्शन में होगा, जो कि राइट डायरेक्शन में। यदि ये निगेटिव आता है तो लेफ्ट आएगा, यदि पॉजिटिव आता है तो ये डायरेक्शन सही है। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। मतलब मान लेते हैं ये 20 न्यूटन हो गया, ये 10 न्यूटन हो गया, तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 10 न्यूटन के बराबर। क्योंकि 20 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा इस साइड में। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। अब इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये केस टू था। केस टू में हम लोगों ने देखा, यदि दो वैक्टर एंटी पैरेलल हों तो उनका रिजल्टेंट उनके सब्ट्रैक्शन से मिलता है, ठीक है। केस थ्री की बात करते हैं। यदि दो वैक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितने के बराबर होगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा इस केस में फिर ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। सीधा सिंपल सा बात है, ए प्लस बी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू जीरो डिग्री होगा, रिजल्टेंट क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो को क्या, वन, तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के ही बराबर आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू है, ठीक है। तो ये थर्ड केस था। केस फोर की बात करते हैं। रिजल्टेंट से रिलेटेड जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब बना सकते हो आप। यदि मान लो दो वैक्टर है, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल हो गया, ये वैक्टर ए है ये वैक्टर बी है, तो अब इस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
टू ए बी कॉस 120 डिग्री लिखेंगे, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 इस केस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ जाएगा रिजल्टेंट का वैल्यू जब 120 डिग्री एंगल रहेगा तब, ठीक है ना, तब आप ऐसे निकाल सकते हो। केस 5 लिखते हैं, केस 5 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। केस 5 देखिए, कभी कभी ऐसा कहा जाएगा कि दो वेक्टर है ए और बी, इसमें ए का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, मतलब ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बी से छोटा है, ठीक है, और रिजल्टेंट जो है, समझिएगा, रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, ए से परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ गए ना, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो इस केस में आपको रिलेट करना है ए और बी, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। रिजल्टेंट क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि रिजल्टेंट जो है स्मॉल वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो स्मॉल कौन है, यहाँ पे ए है, ए से परपेंडिकुलर, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी और आर के, बी और रिजल्टेंट के बीच में एंगल थीटा होगा, रिजल्टेंट और बी के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, या हम लोगों ने बीटा ही लेकर के चला था, तो बीटा ही हम लोग ले लेते हैं कि बीटा एंगल दिया हुआ है रिजल्टेंट और बी के बीच में, तो बी का ये कॉम्पोनेंट कितने के बराबर हो जाएगा, बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये कॉम्पोनेंट कितने के बराबर हो जाएगा, बी कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा, ये बी साइन बीटा के बराबर हो जाएगा, बी का ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन बीटा के बराबर, और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा बी कॉस बीटा के बराबर, ठीक है ना। तो कॉस बीटा के बराबर ये हो गया और साइन बीटा, देखिए अब इसका रिजल्टेंट इधर होना है, मतलब इधर का कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट जीरो होगा तभी तो रिजल्टेंट वाई कॉम्पोनेंट के लॉन्ग होगा, और ये जीरो होने के लिए क्या चाहिए, ए का वैल्यू बी साइन बीटा के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये एक कंडीशन होगा, और रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी कॉस बीटा के बराबर होना चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाना है, रिजल्टेंट का वैल्यू देखिए क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए स्मॉलर वैक्टर, ओके, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल वैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्ज वैक्टर, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो रिजल्टेंट क्या है, स्मॉल वैक्टर से परपेंडिकुलर है, तो ए इधर है बी इधर मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट ए से स्मॉल वैक्टर से परपेंडिकुलर है, तो बी का दो कॉम्पोनेंट होगा, एक बी कॉस बीटा होगा, एक बी साइन बीटा होगा, तो बी साइन बीटा ए को यदि कैंसिल आउट कर दिया तभी तो रिजल्टेंट इधर आ सकता है, तो बी साइन बीटा का वैल्यू कितने के बराबर, ए के बराबर, और बी कॉस बीटा का वैल्यू किसके बराबर, वो रिजल्टेंट के बराबर। तो इस तरीके से ये पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया है अभी, अब आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।